अग्नि का प्रबंध, परंतु किस लिए भैया? भाभी को अग्नि द्वार लांघ कर आना होगा। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, अन्याय है। भैया मैं आपका अर्थ समझ गया हूं। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोकों के विजेता रावण के सुख सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आसमान के नीचे बैठकर सहती रही। एक महान राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी प्रतीक्षा, किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? नहीं भैया, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं कर सकता। निसहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया हो तो वो दोषी हो गए। इससे बड़ा अन्याय नारी जाति के विरुद्ध और कुछ नहीं हो सकता, और वो अन्याय श्री राम करेंगे। तो याद रखिए, मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं, और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता हूं।